अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रोहिंग्या को गिरफ्तार करने का मामला, एटीएस ने मामले में सलमान अहमद का नाम आगे बढ़ाया। सलमान ने रोहिंग्या को बॉर्डर पार कराया था, अहमद ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। कानपुर से इन चार रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली भागने की फिराक में थे। देखिए लगातार जो है रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस जो है एटीएस एक्शन में है, और इसकी खबर जो है पुलिस को मिली थी लखनऊ पुलिस को, जहां एक टीम गठित कर इन रोहिंग्याओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो लगातार जो है अवैध तरीके से, गलत तरीके से रोहिंग्या लोग जो है भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और पुलिस ने इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। लगातार पुलिस भी इनके खिलाफ एक्शन मोड में नजर आती है। तो रोहिंग्याओं को गिरफ्तार करने का ये मामला है, आपको बता रहे एटीएस ने मामले में सलमान और अहमद का नाम आगे बढ़ाया है। सलमान ने रोहिंग्याओं को बॉर्डर पार कराया था, ऐसा बताया जा रहा है, और अहमद ने इनका फर्जी आधार कार्ड बनाया था, यानी गलत तरीके से ये भारत में आकर रह रहे थे। और अब क्योंकि सीएए भी लागू हो गया है, तो उसके बाद और भी स्ट्रिक्ट मोड में यहाँ पर जो है एटीएस नजर आ रही है। शादाब हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शादाब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ लगातार जो है पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, उसी के तहत बताया जा रहा है कि एटीएस ने इसी मामले में सलमान और अहमद का नाम आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से रोहिंग्याओं को लखनऊ ला रहे थे, उनका आधार कार्ड बनवा रहे थे। बिल्कुल, देखिए एटीएस लगातार रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इससे दो दिन पहले ही एटीएस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि कानपुर से इनकी गिरफ्तारी की गई थी, चार लोग की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार इस पर जांच चल रही थी, और आपको बता दें कि आज ही जो एटीएस के चीफ हैं उनसे जब बात की गई, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसमें दो लोगों की और जो जांच हुई थी उसमें नाम निकल कर सामने आए हैं, जिनके लिए अब जो एटीएस है वो बड़ी कार्रवाई करने को तैयारियां कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ये लगातार ये जो बाहर के लोगों को बुलाते थे और फर्जी आधार कार्ड बना के इनको आगे की कार्रवाई के लिए बात बताई है। अभी फिलहाल जो दो लोग हैं उनका नाम सामने आ रहा है। बताया भी जा रहा है कि जो चार लोग की गिरफ्तारी की गई थी, दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन एटीएस लगातार इस पर नजर बनाई हुई थी, जिसके बाद से इनकी कानपुर से गिरफ्तारी की गई। वहीं जो दो लोगों को और नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनकी भी अब जांच की जा रही है। गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब उनकी जांच कर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दो लोग का नाम सामने आया है, वो एक का नाम सलमान बताया जा रहा है, वहीं दूसरे का अहमद का नाम आगे जो चार जो विवेचना है उसमें नाम बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि और इसके अलावा कौन कौन लोग हैं इसके। तो शादाब, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन दो लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है, इनसे आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एटीएस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दो दिन पहले भी एटीएस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। अब जो दो लोग और हैं जो इन लोग को यहाँ बुलाते थे, फर्जी आधार कार्ड बनवा के इनको बाहर भेजने का काम करते थे, अब उनको भी नाम बढ़ा दिया गया है उनका, एक का नाम सलमान, एक का नाम अहमद। तो जाहिर सी बात है अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, एटीएस अपने स्तर से पूछताछ करेगी, तो लगता तो यही है कि इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं, और कितने लोग हैं ये अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली बातों की शादाब, क्योंकि अब सीए भी लागू हो गया है, तो किसी भी प्रकार की कोताही लापरवाही बढ़ती नहीं जाएगी। और लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, रोहिंग्या जो है अवैध तरीके से आकर भारत में रह रहे थे, तो उन पर भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।